हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ बहुत दिन के बाद, और मेरी चेहरे की हालत आप लोग देख सकते हो। और मैं आई हूँ मायके, तो पहले भी आके 15 दिन रह के गई थी, फिर वहाँ पे ससुराल में 10 दिन रहने के बाद फिर मायके में आई हूँ। मम्मी है दुकान में, चाय बना रही थी, और मैं थोड़ा टाइम गई थी सुबह उठ के, मम्मी कह रही कि घूम के आ, थोड़ा चल के आ, तो गई थी चाचा के घर घूमते घूमते, और फिर आई हूँ अपने घर। ये है दादी जहाँ पे सोती है, तो एक मुर्गी का बच्चा है जो मेरे भाई ने रखा। और मेरी तबीयत इन पूरे एक महीने से इतनी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप लोग देख सकते हो। पहले भी मैंने वीडियो डाला था और तबीयत के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मेरी तबीयत। और दादी, गैस ख़त्म हो गया है, तो दादी साग सूप खाने के लिए मुझे बोला गया है, तो दादी बना रही थी खाना, दुकान में ही बना रही थी। और ये तीनों खेल रहे थे, बड़ी वाली को मैंने बोला तू घर पे रहे, पर वो भी चली आई हम लोगों के साथ। और यहाँ पे भी खाना बनाते हैं, लेकिन गैस हो गया ख़त्म, और दादी इसलिए दुकान पे खाना बना रही है। और इस गैस में मम्मी बनाती है मिठाई। और ये एक ख़राब फ्रिज है दुकान का, और जो नया वाला है वो है ये, जो जिस घर में हमारा मंदिर है उसी में रखा है। पेप्सी वगैरह, पानी वगैरह सब कुछ मम्मी यहाँ पे ही रखती है। और फिर मेरी तबीयत क्यों ख़राब है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी रुक गई थी, मुझे पता नहीं चला, तो वो ख़राब हो गया था तो साफ़ करना पड़ा इसी वजह से, तो और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। क्या बताऊँ, उस टाइम ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं खुद बनाती हूँ ब्लॉग, अकेले हूँ, और कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ होता है, बट मेरे साथ कोई है नहीं। और जब हस्बैंड रहता है तो वो बात अलग है, लेकिन हस्बैंड घर पे है, और मेरा चेहरा देखिए, पता नहीं 9-10 लाइन चढ़ा हुआ है मेरे शरीर में, कुछ तो असर दिखाएगा पता नहीं, और खुजली खुजली सी भी हो रही है चेहरे पे, और कोई है नहीं, इसीलिए उस टाइम भी नहीं बना पाई थी ब्लॉग। और जितना हो सके उतना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बना के आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन फिर भी शॉर्ट वीडियो तो डालती हूँ, 1-2 कोशिश करती हूँ डालती हूँ। आप लोग उसमें भी प्यार दिया कीजिए, क्योंकि मेरा जो व्यूज़ है कम हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। और आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।